हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द लिपस्टिक सो पार्ट वन वीडियो लेक्चर में हमने लिपस्टिक के बारे में डिटेल में पढ़ा था रिगार्डिंग दिट्स फार्मुलेशन ओके लिपस्टिक कैसे बनाई जाती है फार्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग ओके देन उसके अंदर कौन से इंग्रेडियंट्स वगैरह यूज होते हैं उसके रोल रोल ऑफ यू इंग्रेडियंट्स एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था ऑल्सो अबाउट इट्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ अब जो पार्ट टू वीडियो लेक्चर है उसके अंदर है कि जब लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके वक्त आ, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होती है कि कुछ फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स होती है एंड सम डिफेक्ट्स रिलेटेड टू द मोल्ड फिर वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमें करना रहता है उसका प्रॉपर इवेल्यूएसन फिर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड अभी जो लेटेस्ट इनोवेशन से मार्केटेड फार्मुलेशन है उसके बारे में हम पार्ट टू वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं सो लिपस्टिक इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक प्रिपरेशन मेनली यूज फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ ए लिप्स ओके तो लिप्स के ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज करते हैं वो कही जाती है lipstick okay so let's start in this lecture so pharmarox mobile application is available so you can use our mobile application which is available on google play store so it is an android application available on google play store you will you will find the various test series for gpet niper din pharmacist exam for test series you can contact on 9016312020

उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है देन उसके जो इंग्रेडिएंट्स कौन से है वो सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा अब जब भी कोई मार्केटेड प्रिपेरेशंस बनती है या फिर आप लेबोरेटरी के अंदर कोई भी ये लिपस्टिक प्रिपरेशंस बनाते हो तो उसके अंदर अलग अलग डिफेक्ट्स आने के चांसेस रहते हैं ओके कि जब भी आप कोई फार्मुलेशन तैयार करते हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफेक्ट्स आती है तो वो डिफेक्ट्स दो टाइप की होती है इन ए लिपस्टिक फर्स्ट है एक तो फार्मुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि जो फार्मूला के कारण होते हैं कि फार्मूला जो होती है आइडियल फार्मूला उसमें समझो कि आप कोई इंग्रेडिएंट की अमाउंट ज्यादा लेते हो या उसकी अमाउंट कम लेते हो कि फॉर एग्जांपल आपको ऑयल लेना है फॉर uh, एग्जांपल कि आपको ट्वेंटी परसेंट जितना ऑयल लेना है बट आप ऑयल डाल देते हो अराउंड फोर्टी परसेंट के okay, क्वांटिटी आप डबल कर देते हो तो उस वक्त फार्मूला चेंज होने के कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फिर ट्वेंटी परसेंट के बजाय समझो कि आप टेन परसेंट ले लो तो भी नहीं चलता दैट्स वाई जो भी फार्मूला होती है उसके अकॉर्डिंग टू आपको परफेक्ट अमाउंट में सभी इंग्रेडिएंट्स को लेने होते हैं सो so ये हो गया फार्मूला रिलेटेड उसके बाद लिपस्टिक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम यूज करते हैं मोल्ड ओके सो so, मोल्ड के रिलेटेड जो डिफेक्ट्स आते हैं कि मोल्डिंग करने के वक्त समझो कि कोई डिफेक्ट्स आती है कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो वो होती है डिफेक्ट्स रिलेटेड टू द मोल्डिंग सो फार्मुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जानते हैं जो so, सबसे पहले है स्वेटिंग इन दैट कोज ड्यू टू द हाई ऑयल कंटेंट फॉर इन्फेरियर ऑयल बाइंडिंग तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है ड्यू टू द हाई ऑयल है कि आपने जो ऑयल कंटेंट है वो एक्सेसिव अमाउंट में डाल दिया है कि जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है स्वेटिंग स्वेटिंग वर्ड इसलिए लिया गया कि 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 देखो कि समझो कि, आ, हमारे बॉडी के अंदर जैसे स्वेट प्रोड्यूस होता है कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं पसीना ओके कि जो पसीना होता है कि जिसके कारण क्या होता है बॉडी में से एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो बाहर आता है ओके okay, बॉडी का जो फ्लूइड बाहर आता है इससे ही यहाँ पे क्या होता है कि लिपस्टिक के अंदर ऑयल कंटेंट जो है उसके उसके अंदर से बाहर निकलेगा जैसे हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है वैसे ही जो लिपस्टिक है उसमें से ये ऑयल जो है वो बाहर निकलेगा बिकॉज वो एक्सेसिव अमाउंट में डाला गया है लाइक सेकेंड इफेक्ट है ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है सेपरेशन ऑफ कलर्ड लिक्विड फ्रॉम वैक्सी बेसिस ब्लीडिंग मतलब कि समझो कि हमारे बॉडी में से जैसे ब्लड बाहर निकलता है बॉडी में से जैसे ब्लड सेम लाइक दैट लिपस्टिक की जो बॉडी है उसमें से बाहर निकलेगा पिगमेंट और कलर ओके पिगमेंट और कलर समझो कि बाहर निकलेंगे ये लिपस्टिक में से तो वो भी एक कहा जाएगा प्रॉब्लम ब्लीडिंग नेक्स्ट है ब्लूमिंग ब्लूमिंग का मतलब होता है कि डल सरफेस ड्यू टू हायर परसेंटेज ऑफ सीटाइल अल्कोहल एंड एक और प्रॉब्लम है स्ट्रीकिंग एक्सपेक्टेड टू बी कोज ड्यू टू टिटेनियम डाइऑक्साइड तो ये चारों इंपॉर्टेंट है फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर आपकी थियरी बेस्ड एग्जाम होती है तो थियरी के अंदर आपको सभी पॉइंट जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर होते होते ब्राइटेस ऑट नॉट ऑन डिफेक्ट्स इन ए लिपस्टिक तो सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम स्वेटिंग से सो so, स्वेटिंग डिफेक्ट मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कोज ड्यू टू हाई ऑयल कंटेंट और इंफेरियर ऑयल ब्लीडिंग कैपेसिटी ऑफ द वैक्स कंपोजिशन मतलब कि ऑयल की ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ऑयल को उसके साथ ब्लेंड कर सके मिक्स कर सके उसके कारण क्या होगा जो एक्सेसिव ऑयल होगा वो इस तरह से बाहर आने का स्टार्ट करेगा ओके और ये डिफेक्ट कही जाती है स्वेटिंग डिफेक्ट जैसे हमारे बॉडी में से पसीना बाहर निकलता है वैसे ही आप देखोगे लिपस्टिक को तो लिपस्टिक को जैसे पसीना आता हो वैसा देखेगा आपको तो ये जो डिफेक्ट कही जाती है स्वेटिंग डिफेक्ट और उसका जो रीजन है वो होता है कि हाई टेम्परेचर और सॉरी हाई ऑयल कंटेंट उसका रीजन होता है इट मे अराइज इन एनी क्लाइमेट और टेम्परेचर रेंज और मेनली जो पसीना होता है स्वेट होता है उसका रीज़न होता है कि एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होना है जैसे कि गर्मियों के सीजन में हमारी बॉडी में से जैसे पसीना निकलता है ऐसे ही समझो कि आपने एक्सेसिव ऑयल डाला होगा तो जैसे क्लाइमेट चेंज होगा कि लाइक विंटर सीजन में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट जैसे ही विंटर में से आप जाओगे समर सीजन्स के अंदर तो जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होगी ये जो लिपस्टिक है उसमें से ऑयल बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज बैंडिंग कैपेसिटी जो है आपके वैक्स की वो काफ़ी कम है इसके कारण जैसे हमारे बॉडी में से गर्मी में पसीना निकलता है वैसे आपकी ये जो लिपस्टिक में से भी स्वेट uh, बाहर आना निकलेगा और जो वो स्वेट होगा वो होगा एक प्रकार का ऑयल की जो हम ऐड करते हैं और वो समझो कि एक्सेसिव ऐड हो गया है तो फिर वो लिपस्टिक uh, के स्वेट के फॉर्म में वो हमारी लिपस्टिक में से बाहर निकलेगा और ये जो डिफेक्ट है उसको हम कहेंगे स्वेटिंग डिफेक्ट नेक्स्ट है वो है ब्लीडिंग डिफेक्ट सेपरेशन ऑफ कलर लिक्विड फ्रॉम द वैक्सी बेस कि जैसे हमारी बॉडी में से ब्लड बाहर निकलता है ओके okay, कि ब्लड भी एक प्रकार का क्या है फ्लूइड है प्लस उसके अंदर पिगमेंट है कि रेड कलर का हमारा ब्लड होता है ड्यू टू आरबीसी वैसे ही ये जो लिपस्टिक है उसका जो भी कलर होगा वो कलर जो है वो वैक्सी बेस में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे बॉडी में से ब्लड निकलता है वैसे जो लिपस्टिक है उसकी बॉडी में से ये जो कलर जो है वो निकलना स्टार्ट होगा तो ये जो डिफेक्ट है वो कही जाती है ब्लीडिंग डिफेक्ट इट लीड्स टू अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कारण क्या हो जाएगा कि कोई कलर कोई एरिया में से ज्यादा कलर बाहर आ जाता है तो वो एरिया जो है वो इस तरह से व्हाइट दिखेगा ओके अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जिससे जो देखने में आपकी जो लिपस्टिक है वो काफी डल दिखेगी जिससे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर एक बार तो लेगा पर दूसरी बार वो प्रोडक्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा सो बेटर प्रोडक्ट के लिए ब्लेंडिंग डिफेक्ट है उसको ओवरकम करना बहुत ही जरूरी है सो so, उसको ओवरकम करने के लिए जो मेन उसके जो आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो ब्लीडिंग डिफेक्ट का तो आपको मेन जब कंपोजिशन तैयार होता है ओके okay? आप जब कंपोजिशन तैयार करते हो इंग्रेडिएंट्स का तो सभी इंग्रेडिएंट्स को उसकी जो परसेंटेज अमाउंट होता है कि कलर uh, है तो उसका जो प्रॉपर वे अमाउंट होता है इतने अमाउंट में ही ये इंग्रेडिएंट ऐड करें एक्सेसिव डालने से फिर ये डिफेक्ट्स होने के चांसेस हो जाएंगे नेक्स्ट ब्लूमिंग वेन द सर्फेस ऑफ द लिपस्टिक एपियर्स डल जैसे हम टैबलेट कोटिंग के अंदर पढ़ते हैं कि ब्लूमिंग सरफेस मतलब कि सरफेस उसकी हो जाएगी डल डल सरफेस जो है इंस्टेड ऑफ ए डिजायर्ड ग्लोस कॉल द प्रॉब्लम ऑफ ब्लूमिंग कि जो ग्लोसी दिखनी चाहिए लिपस्टिक ओके okay, ग्लोसी उसके बजाय दिखनी लगती है डल मतलब कि कलर उसका डल हो जाता है साइनी नहीं रहती तो वो प्रॉब्लम हम कहेंगे ब्लूमिंग डिफेक्ट इट इट इज चीफली ड्यू टू हायर परसेंटेज ऑफ सीटाइल अल्कोहल मतलब कि आप एक्सेसिव अमाउंट में अब सीटाइल अल्कोहल डालोगे तो यह ब्लूमिंग इफेक्ट आएगी उसके कारण आपको जब भी सीटाइल अल्कोहल डालना है वो रहेगा लेस देन फाइव परसेंट लेस देन फाइव परसेंट डालोगे तो ब्लूमिंग इफेक्ट को आप ओवरकम कर पाओगे सो दिस इज रिगार्डिंग द ब्लूमिंग फ्टर दैट देर इज ए स्ट्रींग डिफेक्ट स्ट्री मतलब ओके समझो कि ये जो लिपस्टिक का ऊपर का हम भाग ले रहे हैं ये जो वैक्स है और नीचे उसका ये है कंटेनर तो अब यहां पर क्या हो रहा है अथीन लाइन और बैंड ऑफ डिफरेंट कलर और सबस्टन्स एपियर ऑन द सर्फेस मतलब कि ये एक लाइन बन रही है एक दूसरी लाइन तीसरे से अलग अलग लाइन्स आपको दिखे कि जैसे स्ट्रिकिंग हो रहा है ओके कि समझो कि कोई पैट्रीडिस के अंदर आप जैसे ऐसे स्ट्रिक्स बनाते हो ओके बाय यूजिंग एनी ब्लेड और एनी नाइफ वैसे ही यहाँ पे आपको कलर के ऐसे स्ट्रिप दिखेंगे स्ट्रिक दिखेंगे तो वो कही जाएगी डिफेक्ट स्ट्रिकिंग प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके अंदर जो सेपरेट होने लगेंगे उसके कारण ही आपको स्ट्रेकिंग दिखेगा तो उसी का तो ये प्रॉब्लम भी आप कैसे सॉल्व कर सकोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मेन की जो आपके इंग्रेडिएंट्स है उसको प्रॉपर अमाउंट के अंदर ही वे करके इसके अंदर मिक्सअप करना है एक्सेसिव डालने से भी स्ट्रिकिंग डिफेक्ट आ सकती है सो so, सभी जो चारे डिफेक्ट है रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन सभी के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक चीज यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हो सकता है कि आप जो फार्मुलेशन है उसके इंग्रेडियंट्स अच्छे से वे करिए एंड एक रहता है उनका चेक करना कंपेटिवलिटी ओके कंपेटिवलिटी खास चेक कर लेनी चाहिए बिफोर मिक्सिंग दैम की जो भी वैक्स है उसके साथ जो आप ऑयल मिक्स कर रहे हो कोई कलर मिक्स कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ वो इंग्रेडिएंट्स कंपेटिबल है या नहीं वो आपको अच्छे से चेक करने के बाद ही उसका मिक्सिंग करना है बिफोर द मोल्डिंग अब जो दूसरे जो डिफेक्ट्स है हमारे उसमें एक होते हैं सिम्स डिफेक्ट मार्क्स लेफ्ट ऑन द लिपस्टिक वैन स्प्लिट मोल्ड आर यूज They are caused either due to the brittle masses or due to the faulty cooling technique. अब कूलिंग टेक्निक अच्छी नहीं है या फिर आपने ब्रिटल मासिस यूज किया है ब्रिटल मतलब कि इज़िली ब्रेक हो जाए कि आपकी जो वैक्स है वैक्स के अंदर समझो कि आपने ऑयल जो है वो काफ़ी कम डाला है तो उससे भी ये ब्रिटल मास बनने के चांसेस है या फिर वैक्स और ऑयल दोनों के बीच अच्छे से कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है तो उसके कारण भी ये डिफेक्ट आ सकती है कि मार्क्स लेप्ट हो, होंगे कि जैसे कोई स्क्रैच uh, मार्क्स जैसे पड़ते हैं कि कोई भी बॉडी पर स्क्रैचेस पड़ते हैं स्क्रैच मार्क्स पड़ते हैं ऐसा समझो कि आपको दिखता है तो वो डिफेक्ट को कही जाती है सिम्स डिफेक्ट अब दूसरी जो डिफेक्ट है वो है रिलेटेड टू द मोल्डिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स फर्स्ट इज लेडरिंग इन द एटलिपस्टिक डज नॉट लुक स्मूथ और होमोजेनियस ओके okay, लिपस्टिक दिखनी चाहिए स्मूथ और होमोज़ेनियस बट इट डज नॉट लुक स्मूथ और होमोज़ेनियस वो कहा जाता है लेडरिंग डिफॉर्मेशन नोटिसेबल इन सॉफ्टर फॉर्मूले सॉफ्ट हो जाती है काफी क्रेटरिंग मतलब सो ऑफ फ्लेमिंग वेन सिक स्टिक डेवलपमेंट डेवलप्स डिम्पल्स मसी फाइलर मीन लॉस ऑफ सेफ ड्यू टू पुअर मोल्डिंग क्रैटरिंग मतलब कि क्रैटर्स क्रैटर्स को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डिम्पल्स फॉर्म होना ओके कि जैसे गाल ऊपर किसी को डिम्पल्स पड़ते हैं तो सेम ऐसा ही लिपस्टिक के ऊपर ऐसे डिम्पल्स फॉर्म हो जाएंगे कि जिसको हम पिनहॉल्स भी कह सकते हैं एक टाइप से कि छोटे छोटे आपको पिनहॉल्स दिखने लगे ऑन द सर्फेस ऑफ लिपस्टिक तो वो एक डिफेक्ट कही जाएगी क्रेटरिंग तो चारों डिफेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये जो है लेडरिंग डिफॉर्मेशन क्रैटरिंग एंड मसीफर सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेडरिंग डिफेक्ट प्रोडक्ट हैज एडर लाइक एपियरेंस इट डज नॉट लुक स्मूथ और होमोजीनियस आफ्टर कंजेलिंग एंड सेटल बट इंस्टेड ए मल्टीलेयर एपियरेंस ओके ये आप देख सकते हो कि ये ये वाला जो लेयर है वो डार्क ब्राउन दिख रहा है आपको ओके डार्क ब्राउन और ये जो एक दूसरा बीच में लेयर है वो है लाइट ब्राउन जैसा या फिर रेड इस कलर हम कह सकते हैं उसको नॉर्मल रेड फिर उसके बाद ये जो है तीसरा जो लेयर वो फिर से डार्क ब्राउन है तो ऐसे अलग अलग लेयर आपको दिखेंगे मल्टीलेयर अपियरेंस कि जिस यहां पे आपको एक सिंपल एक ही लेयर दिखना चाहिए कि समझो कि आपका लिपस्टिक का कलर है डार्क ब्राउन तो पूरी वो डार्क ब्राउन दिखनी चाहिए या फिर रेड है तो कंप्लीटली रेड दिखनी चाहिए उसके जगह क्या हो जा रहा है कि लेडर लाइक अपियरेंस एंड मल्टीलेयर अपियर ऑफ इट्स एपियरेंस सो अकर्स ड्यू टू द आइदर मोल्ड इज कैप्ट एट वेरी लो टेम्परेचर और वेन बल्क फॉर्मुलेशन इज नॉट हॉट इनफ और फिलिंग रेट इज वेरी स्लो ये होने की प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं कि वेरी लो टेम्परेचर पे आप उसको रखते हो मोल्ड को वेन बल्क फॉर्मुलेशन इज नॉट हॉट इनफ कि जब आपने मेल्ट किया था अच्छे से आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया होगा कि समझो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 65 डिग्री सेल्सियस पे वैक्स मटेरियल ऑयल और जो अदर इंग्रेडिएंट्स है वो सभी को एक दूसरे के साथ मिक्स करना रहता है एट द सेम टेम्परेचर समझो कि ये टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं करते या फिर फीलिंग रेट है वो काफी स्लो है आपका ओके okay? कि जब मोल्ड के अंदर आप ये मेल्टेड मास फील करते हो तो आपका फीलिंग रेट आपका काफी स्लो है आप धीरे धीरे उसके अंदर मांस uh, को फिल करते तो उसके दौरान भी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जो आप फर्स्ट डालोगे वो मेल्ट हो जाएगा मेल्ट हुआ तो वो कूल होता जाएगा फिर आप दूसरा डालते तो ऐसे लेयर्स तैयार होंगे ओके सो so, ऐसे लेयर्स तैयार ना हो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि टेम्परेचर एक अच्छा सेट रखना होता है देन फिलिंग रेट आपको काफ़ी हाई रखना होता है एंड जो बल्क फॉर्मुलेशन को आपको अच्छे से गर्म करना रहता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर लेडरिंग डिफेक्ट के बाद है एक प्रॉब्लम वो है डिफॉर्मेशन डिफेक्ट द सेप ऑफ द लिपस्टिक लुक्स डिफॉर्म कि यहां पे हम देख सकते हैं ये वाला जो सेप कोई प्रॉपर सेप ही उसका मेंटेन नहीं है सेप के अंदर अल्टरनेस हुआ है सेप उसका अल्टर हो गया है तो उसको हम कह सकते हैं डिफॉर्मेशन कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है कि सॉफ्ट फॉर्मूला हो जाते है ये एंड कैन अपेयर ऑन द साइड ऑफ द लिपस्टिक और बॉथ द साइड्स डिफॉर्मेशन होने के चांसेस ऐसे कि समझो कि ये जो आपका मोल्ड है मोल्ड के ऊपर सम के अंदर कोई मटेरियल समझो कि स्टिक हो जाता है जब भी आप ये मोल्ड में से लिपस्टिक को निकालते हो तो सॉफ्ट uh, हो गई है समझो कि आपकी लिपस्टिक तो क्या होगा कुछ उसका मास जो है वो स्टीक हो जाएगा ऑन ए मोल्ड ओके कुछ अमाउंट में लिपस्टिक मोल्ड ऊपर चिपक जाएगी और बाकी की जो है वो आपके हाथ में आएगी तो क्या होगा सॉफ्टर हो जाने के कारण उसका जो टेक्सचर है ओके वो टेक्सचर काफ़ी बिगड़ जाएगा और लिपस्टिक काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और उससे डिफॉर्मेशन होने के चांसेस से है उसके सेप के अंदर नेक्स्ट डिफेक्ट इज ए क्रेटरिंग डिफेक्ट दिस इफेक्ट मोस्टली फाउंड इन स्प्लिट मोल्डिंग्स इट्स ऑफ फ्लेमिंग वेन द स्टिक डेवलप्स डिम्पल और इट इज कॉल एड स्पोर्ट्स कि जैसे गाल पे डिम्पल पड़ते ऐसे देख सकते हो आप दिस इज वन सेकंड थ्री फोर फाइव ऐसे अलग अलग आपको दिखेंगे क्रेटरिंग सो द मेन कोज इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ सिलिकॉन ऑयल और मशीनरी लुब्रिकेशन ऑयल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मिक्सचर और द डिस्पेंसर मिक्सचर कि सिलिकॉन uh, ऑयल या फिर मशीनरी लुब्रिकेशन जो होता है उसका प्रेजेंस होने के कारण कि जो ट्रेस अमाउंट के अंदर लिपस्टिक के अंदर ऐसे कोई ऑयल्स प्रेजेंट रह गए हैं तो फिर वो ऐसे डिम्पल्स की तरह आपकी लिपस्टिक की सरफेस पे दिखेंगे और ये जो डिफेक्ट है उसको हम कहते हैं क्रैटरिंग डिफेक्ट एक और डिफेक्ट है वो है मसी इन दैट द सेंट्रल कोर ऑफ द स्टिक लेग स्ट्रक्चर एंड ब्रेक्स। ओके ये जो है सेंट्रल वाला पोर्सन यहां से क्या हो जाएगा सेंट्रल कोर ऑफ द स्टिक लेग्स द स्ट्रक्चर एंड ब्रेक फिर यहां से ये जो है वो ब्रेक हो जाती है तो ये डिफेक्ट को कहा जाता है मसीफाइलुर द प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फॉर्मूला और पर्टिकुलर सेड द ग्रेन्युलरिरिटी कोज बाय कर्नोबावैक्स कुड बी रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम ग्रैन्युलरिटी कोज बाय कर्नोबावैक्स कर्नोबावैक्स के जो ग्रेन्युलरिटी हो जाती है उसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है कि उसका ऊपर का पोर्सन और नीचे का पोर्सन जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे तो दिस इज ए कॉलोर अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इवेल्यूशन ऑफ लिपस्टिक सो शॉर्ट नॉट खास पूछी जाती है कि ए शॉर्ट नॉट ऑन इवेल्यूशन पैरामीटर ऑफ ए लिपस्टिक इन ए डिटेल या फिर सबसे पहला पूछा जाता है कि एनलिस्ट आपको सबसे पहले सभी इवेल्यूशन पैरामीटर्स को करने रहते हैं एनलिस्ट और उसके बाद सभी के बारे में एक्सप्लेन करना रहता है या फिर ऐसा भी कहा जाए कि एक्सप्लेन एनी टू और एनी फोर एर एक्सप्लेन अबाउट द कलर कंट्रोल और एक्सप्लेन अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट सो सभी को हम पहले एनलिस्ट कर लेते हैं कि कलर कंट्रोल है सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग क्लोड टेस्ट फोर्स ऑफ एप्लीकेशन स्टेबिलिटी रेंसिडिटी रैप्चर टेस्ट एंड माइक्रोबियल टेस्टिंग तो ये सब आपको याद रखने हैं इवेल्यूशंस ऑफ ए लिपस्टिक सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कलर कंट्रोल सो कलर कंट्रोल ऑफ लिपस्टिक इज क्रिटिकल मैन्युफैक्चर टू बी अवेयर ऑफ दिस कलर कंट्रोल मतलब कि यूनिफॉर्म कलर प्रोवाइड करना वो आपके लिए काफी जरूरी है ओके यूनिफॉर्म कलर बिकॉज लिपस्टिक जो है वो मेनली उसका इंपॉर्टेंट होता है उसका शेड जो लिप्स ऊपर जो सेड तैयार होता है वो कलर कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म ओके तो ही जो एट्रैक्टिवनेस है ब्यूटिफिकेशन जो है वो अच्छे से होगा ऑफ ए लिप्स अब कलर कंट्रोल है या नहीं प्रॉपर उसका कलर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं वो जानने के लिए ये इवेल्यूशंस परफॉर्म किया जाता है कलर कंट्रोल सो कलर इमेट्रिक इक्विपमेंट इज यूज टू प्रोवाइड सम कंट्रोल ऑन द सेड्स ऑफ लिपस्टिक के जो कलरीमीटर जो हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर कलरीमेट्री टेक्निक जो कहा जाता है तो उसका प्रिंसिपल होता है कि लाइट सोर्स कैलरी ग्लेंस होता है मोनोक्रोमीटर होता है फिर वेवलेंस सिलेक्टर होता है सैंपल सॉल्यूशन के जो कवेट के अंदर फिल किया जाता है एंड डिजिटल डिस्प्ले मीटर पे आपको कलरिमेट्रिक जो रीडिंग है वो मिलता है उससे आप अलग अलग सेड्स को कंपेयर करके उसकी कलर वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि कलर का जो इंटेंसिटी हो सेम है या नहीं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इट गिव्स द न्यूमेरिकल रीडिंग ऑफ द सेड मिक्सड इट कैन आइडेंटिकली मैच प्रीवियस बैचेस मतलब कि समझो कि ये पॉइंट ट्वेंटी रीडिंग है आपकी बैच ए का कलर कंट्रोल के लिए और बैच बी जो आपने बनाई है उसका रीडिंग आपको आ रहा है या फिर वो सेड का आ रहा है तो नियर बाय हो गई वैल्यू फिर हम समझो कि कोई सी कलर है उसकी वैल्यू आपको मिल रही है पॉइंट एटीन तो वो भी नियर बाय है वैसे आप एक ही कलर की जो अलग अलग बैचेस लेते हैं कि समझो आपने रेड कलर की ही सात से आठ अलग अलग बैचेस ली है तो सभी बैच को आप इस तरह से चेक करोगे कि कलरीमेट्री वैल्यू कितनी आ रही है तो उससे आपको पता चलेगा कि कलर कंट्रोलिंग हुआ है या नहीं कि उसके जो शेड है उसके अंदर यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर आफ्टर दैट सेकेंड रिवल्यूशन इट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सो द लिपस्टिक ए मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन 55 टू 75 डिग्री सेल्सियस ये आ गया एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि लिपस्टिक का जो हमारी जो लिपस्टिक जो फा लास्ट में तैयार होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होनी चाहिए तो बिटवीन फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस उसका रीजन है ये है कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि लिपस्टिक मेल्ट होना स्टार्ट होना डिग्री इसलिए है कि नॉर्मली समर के सीजन में भी टेम्परेचर होता है फोर्टी फाइव के आसपास कई सिटीज में पहुंचता है इन इंडिया इन सम सिटीज इट इज़ ऑल्सो रिचिज टू फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस ऑल्सो सो समझो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लें कि पचास डिग्री भी टेम्परेचर होता है तो उस वक्त भी समझो कि पर्स के अंदर या फिर हैंड बैग के अंदर ये लिपस्टिक है आपकी तो वो वो टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होनी चाहिए ओके आप उसको ईजीली कैरी कर सको फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस विदाउट एनी प्रॉब्लम तो उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होना चाहिए हायर देन 55 एंड लोअर देन 75 डिग्री सेल्सियस सेल्सियसन शुड बी डन टू नो द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज आप जो हैंडलिंग करते हो और उसके जो स्टोरेज करते हो उस वक्त ये लिपस्टिक जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए एट द लॉन्ग लास्टिंग फर्दर लॉन्ग लास्टिंग पीरियड्स जब तक वो कस्टमर उसको अच्छे से यूज ना कर ले तब तक जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए द बी अब फिफ्टी डिग्री सेल्सियस बिकॉज जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया का कि समर सीजन के अंदर बहुत सारे जो रीजन्स के अंदर टेम्परेचर रहता है फोर्टी अब ओके और कुछ रीजन्स के पास फोर्टी एट के पास भी टेम्परेचर पहुंच जाता है जब काफी गर्मी होती है इन स्पेशली ए मंथ ऑफ मे तो उसके लिए ये एक असेंबली तैयार की जाती है मेल्टिंग पॉइंट के लिए कि इस तरह से एक थर्मोमीटर के साथ आपका जो कैपिलरी होती है उसके अंदर आपका सैंपल जो है वो फिल किया जाता है और वो कैपिलरी को रबर रिंग से थर्मोमीटर के साथ बांधा जाता है फिर आ, ये जो आपने कई बार लेबोरेटरीज के अंदर देखा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं कि जिसके अंदर थर्मोमीटर स्टॉपर विथ वेस कट होता है थीसल ट्यूब होती है ये और कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर इस तरह से ऑयल फिल करके फिर नीचे से हीट दी जाती है अब जो टेम्परेचर पे ये मास जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो टेम्परेचर को हम कंसिडर करते हैं एज अ मेल्टिंग पॉइंट तो प्रोसीजर देखते हैं कि सैंपल आपको लेना है रिगार्डिंग फॉर दिस प्रैक्टिकल अराउंड फिफ्टी एम जी मेल्ट एंड फिल्ड इंटू ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब ओपन ऑन बोथ द एंड्स ओके okay, दोनों एंड उसके ओपन हुए से कैपिलरी लेके आपको उसके अंदर मोल्टन लिक्विड लिक, लिपस्टिक मास्क को आपको उसके अंदर फिल करना है ये है आपकी कैपिलरी ये दूसरे तरीके से भी आप समझो कि आपके पास वो आ, थीसल ट्यूब नहीं है तो इजीली आप आ, बीकर को यूज करके भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो कि ये यहाँ पे आपने नीचे हॉट प्लेट रखी है एंड दिस इज योर बीकर और ये अच्छे से स्टैंड पर आपने थर्मोमीटर के साथ ये कैपिलरी अच्छे से बांध के अटैच किए हुए और इसके अंदर है वाटर। अब क्या करते हो आप कूल द कैपिलरी ट्यूब विथ आइस फॉर टू आवर सबसे पहले आपको आइस को लेकर यह कैपिलरी को दो घंटे के लिए अच्छे से मेल्ट कर देना है फिर फास्टन द कैपिलरी ट्यूब टू ए थर्मोमीटर प्लेस बीकर फुल ऑफ वाटर ऑन ए हीटिंग प्लेट विथ मैग्नेटिक स्टरअ अब आइस उसमें से निकल के या फिर आइस वाला बिकर निकल के आप वाटर वाला बिकर लोगे और उसको मैग्नेटिक स्टरर पर इस तरह से करोगे गरम अब जैसे ये टेम्परेचर गरम होता जाएगा तो ये जो जब उसके मेल्टिंग पॉइंट के पास ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो ये लिपस्टिक मास जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा अब आप क्या करोगे स्टार्ट हीटिंग एंड तो स्टरिंग एट स्लो एंड फिक्स स्पीड द टेम्परेचर एट विच मटेरियल मूव अलोंग द कैपिलरी ट्यूब इज कंसिडर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अब ये जो कैपिलरी है वो दोनों एंड से इस तरह से ओपन है तो समझो कि यहाँ पे आपका ये जो मटेरियल था वो अब धीरे धीरे मेल्ट होके नीचे की ओर आ रहा है तो जो टेम्परेचर पे ये मटेरियल मूव करना स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर का रीडिंग आपको यहाँ पे थर्मोमीटर में मेजर कर लेना है कि कितना रीडिंग दिखा रहा है और वो यूजली होगा फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होगा कि जो हम कंसिडर करते हैं आइडियल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए लिपस्टिक सो दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जानना वो है सॉफ्टनिंग पॉइंट कि कितने टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट होती है मेल्ट नहीं करना है बट सॉफ्ट ओके मेल्टिंग एंड सॉफ्टिंग में काफी फर्क है मेल्ट होना मतलब कि मूव uh, होना स्टार्ट हो जाएगी ओके okay? जैसे कि uh, बर्फ जैसे पिघलती है तो फिर वो इस तरह से लिक्विड फॉर्म में मूव होना स्टार्ट हो जाती है ओके okay? कि आइस टू वाटर जो होता है वो तो वो हम कहेंगे मेल्टिंग बट सॉफ्ट होना मतलब कि ये जो एकदम हार्ड होगी आपकी लिपस्टिक वो थोड़ी ऐसे हम सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है कि अभी वो पिघलना स्टार्ट नहीं हो रही है, बट जस्ट थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है सो so, ये क्यों जरूरी है कि कंडीशन टू विच इट विल बी सब्जेक्टेड इन द कंज्यूमर्स हैंडबैग जब हैंडबैग के अंदर ये जो लिपस्टिक होती है तो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए अच्छे से वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर सो इट शुड बी रेजिस्टेंस टू वेरिंग टेम्परेचर एंड बी जस्ट एज ईजी टू अप्लाई इन द हॉट एज इन कोल्ड वेदर की जब टेम्परेचर चेंज होता है कि हॉट वेदर हो या फिर कोल्ड वेदर सभी के अंदर जो कंज्यूमर है उसको इजिली अप्लाई कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम सो सॉफ्टिंग पॉइंट इज बिटवीन फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस मतलब की जो नॉर्मल वेदर होता है कि समझे कि कोई एरिया में फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस है तो भी ये लिपस्टिक जो है वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए बिकॉज उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट होना चाहिए फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव मेथड फॉर डिटर्मिन सॉफ्टनिंग पॉइंट इट इज ए रिंग एंड बॉल मेथड एंड सेकंड इज ए सेकंड मेथड तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग द रिंग एंड बॉल मेथड फॉर सॉफ्टनिंग पॉइंट तो इसमें इस तरह की एक असेंबली होती है कि नीचे अपने पास ये हॉट प्लेट है यहाँ पे मैग्नेटिक स्टरर है टेम्परेचर हमने रखा है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस ये है वाटर थर्मोमीटर अटैच किया हुआ है और यह है स्टील बॉल स्टील बॉल प्लेस डेलिकेट ऑन लिपस्टिक टैबलेट बिफोर डिपिंग इन वाटर अब ये जो लिपस्टिक की जो आपने टैबलेट जैसी बनाई है उसके ऊपर क्या रखा है ये एक बॉल ओके स्टील बॉल कि समझो कि इस तरह से आपने ये एक लिपस्टिक की टैबलेट जैसा बनाया हुआ है उसके ऊपर ये एक स्टील का बॉल आप रख दोगे ओके अब क्या करोगे ये जो पूरी असेंबली आपने सेट करके रखी है ओके? और इसके अंदर ये हो गया आपका बीकर। ओके? बीकर के अंदर पानी यहां तक भरा हुआ है और धीरे धीरे आप गर्म कर दे और टेम्परेचर पहुंचता है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस के आसपास तो अब क्या होता है वो हम जानते हैं इन सेकंड डायग्राम तो अब क्या होगा सॉफ्टनिंग पॉइंट एट विच द लिपस्टिक मास एंड स्टील बॉल आर लूज एंड फॉल टू द बॉटम ऑफ द बिकर अब ये जो लिपस्टिक की जो टैबलेट है ओके okay, वो क्या होगी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होकर क्या होगा कि थोड़ा सा वो जैसे मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो ये जो बॉल है वो उसमें से निकल नीचे की ओर पानी में गिर जाएगा तो सिंपल एक बेसिक एक्सपेरिमेंट कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि जब ये लिपस्टिक का मांस सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें से ये जो स्टील का बॉल है वो उसमें से पास होकर नीचे पानी में गिर जाएगा तो जो टेम्परेचर पे ये बॉल नीचे गिर जाता है वो टेम्परेचर नोट किया जाता है और वो यूजली रहता है बिटवीन द 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा

ऐसे रिंग्स होती है बेस प्लेट होता है थर्मोमीटर के लिए स्लॉट होता है और ऐसी अलग अलग डिस्क होती है जिसके अंदर आप जो है वो आपकी लिपस्टिक को रख सकते हो सो हीटिंग एंड स्लोली एजिटेशन इज बिगन टेम्परेचर इज मॉनीटर्ड यूजिंग ए थर्मोमीटर द टेम्परेचर एट विच द लिपस्टिक मास एंड स्टील बॉल आर लूजन एंड फॉल इन टू द बॉटम ऑफ द बीकर इज द सॉफ्टनिंग पॉइंट जो टेम्परेचर से ये जो लिपस्टिक के ऊपर रखा हुआ ये जो मेटल बॉल उसमें से पास हो के नीचे ये बिकर में गिर जाएगा तो वो टेम्परेचर को हम कंसिडर करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट सेकेंड मेथड फॉर सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द होल लिपस्टिक अलोंग विथ इट स्टैंड इज़ कैप्ट इन ए लॉन्ग फ्लैट बॉटम ट्यूब एक लंबी बॉटम फ्लैट बॉटम ट्यूब के अंदर रखी जाती है इस तरह से ओके ऐसे आपकी फ्लैट बॉटम ऐसी ट्यूब है टेस्ट ट्यूब जैसी केयर शुड बी टेकन एट द लिपस्टिक इज प्रोट्रूडेड पोजिशन एंड द बल्ब ऑफ द थर्मोटेटेड जस्ट टच एट द लिपस्टिक मास अब समझो कि लिपस्टिक आप यहाँ पे रखते हो तो उसके साथ थर्मोमीटर भी आप अटैच करके रखते हो प्लेस दिस सेटअप इन ए वन लीटर बीकर फिल वाटर टू लेवल वन सेंटीमीटर अबव द अपर ऑफ द प्रोट्रूडिंग लिपस्टिक Start heating water slowly at 1 to 2 degree Celsius per minute. The temperature at which the lipstick start bleeding, bending and deforming from its shape is the softening point. अब जो temperature पे आपके lipstick soft होना start हो जाती है कि समझे क्या आप ऐसा कोई test tube जैसा है उसके अंदर ये lipstick रखते हो फिर उसके साथ thermometer भी रखा है और ये पूरी assembly को आप ऐसे पानी भरे हुए beaker में रख दो। और उसका टेम्परेचर आप नोट डाउन करते हो और जो टेम्परेचर पे आपकी लिपस्टिक थोड़ी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है बैंड होना स्टार्ट होती है डिफॉर्मेशन उसका स्टार्ट होता है तो वो टेम्परेचर आप नोट डाउन करोगे एज अ सॉफ्टनिंग पॉइंट अब जरूरी होता है कि माइक्रोबियल टेस्टिंग ऑफ लिपस्टिक बिकॉज उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये डायरेक्टली अप्लाई की जाती है ऑन ए लिप्स ओके तो कॉन्टेमिनेशन फ्राम ए रो मटेरियल मोल्ड स्टोरेज केटल्स और लिपस्टिक कंटेनर कैन बी लीड्स टू माइक्रोबियल ग्रोथ दैट्स वाई माइक्रोबियल टेस्टिंग इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नाइन एट सेवन फाइव वन नाइन नाइन जीरो से एक एम सी क्यू आपका निकल सकता है कि माइक्रोबियल टेस्टिंग ऑफ लिप्स्टिक इज सजेस्टेड इन विच आई एस तो ये आपको आई ए एस स्टैंडर्ड याद रखना है फॉर माइक्रोबियल टेस्टिंग ऑफ लिपस्टिक सो द टेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ प्लेटिंग ए नॉन मास ऑफ द सैम्पल ऑन टू सिलेक्टेड कल्चर मीडिया स्पेशली सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फंगाई इंक्यूबेटिंग दैम फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ परमिट टू डेवलपमेंट ऑफ ए विज्युअल कॉलोनीज फॉर काउंटिंग मतलब कि आपको लिपस्टिक का सैंपल लेके और कल्चर मीडिया के अंदर जो है वो डेवलप करना है और इंक्यूबेट करके देखना है कि उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है या नहीं कि सिंपल जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी के कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते लाइक स्ट्रिक प्लेट मेथड पोर प्लेट मेथड जो आप यूज करते हो टू फॉर्म द कॉलोनीज ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द लिमिट इज नॉट मोर देन हंड्रेड म्यू जीरो पर ग्राम सो वॉट इज म्यू जीरो द फैक्टर म्यू जीरो इज कॉल्ड द परमिबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस एंड हैज द वैल्यू इज फोर पाई इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन न्यूटन्स पर एम्पियर स्क्वा एस आई यूनिट सो द लिमिट इज नॉट मोर देन हंड्रेड म्यू जीरो पर ग्राम ये आपको खास याद रखना है रिगार्डिंग द माइक्रोबियल टेस्टिंग ऑफ ए लिपस्टिक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये जो हम राउंड कर रहे हैं ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द रेंसिडिटी ऑफ लिपस्टिक तो रेंसिडिटी क्या है सो इज़ डीकम्पोजिशन ऑफ ए ऑक्सीडेशन बिकॉज लिपस्टिक के अंदर मेन मेजर तीन इंग्रेडिएंट है एक होता है फैट दूसरा है वैक्स एंड थर्ड इज द ऑयल अब ये तीनों मटेरियल ऐसे है जिसका डीकम्पोजिशन हो सकता है उसके अंदर प्रेजेंट लिपिड का बाय हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन तो उसके कारण क्या होगा ये आप देख सकते हो कि लिपस्टिक जो है वो उसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ कैस्टर ऑयल एंड अदर वैक्सी और लिपोइडल इंग्रेडिएंट इट लीड्स टू ऑबनॉक्सियस ऑर्डर बेड टेस्ट एंड स्टिकी प्रोडक्ट ओके ये जो आपकी लिपस्टिक है वो उसका ऑर्डर जो है वो ऑब्नोक्सियस की जो पसंद ना आए ऐसा ऑर्डर आएगा उसमें से बेड टेस्ट कि जब लिपस्टिक के आप लिप्स ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको उसका जो टेस्ट सेंसेशन है वो थोड़ा सा बहुत होगा तो उसका बेड टेस्ट आपको लगेगा स्टिकी प्रोडक्ट लगेगी लिप्स पे आपको एंड समटाइम चेंज ऑफ द कलर ऑफ द प्रोडक्ट और कई बार उसका कलर भी चेंज हो जाता है ड्यू टू द रेंसिडिटी सो टेस्टिंग ऑफ रेंसिडिटी कैन बी डन बाई डिटरमाइन एट्स नंबर कि जो रेंसिडिटी ऑफ वेरियस लिक्विड्स होता है कि पेरॉक्साइड नंबर को फाइंड आउट करके ये रेंसिडिटी फाइंड की जाती है जो बायोकेमिस्ट्री में भी आता है फार्माकोग्नोसी में भी ये टेस्ट परफॉर्म करने की आती है कि जो अलग अलग ऑयल्स कंटेनिंग ड्रग होती है कि, कि कैस्टर ऑयल है फिर अलग अलग वैक्स मटेरियल है लिक्विडल इंग्रेडिएंट है तो उसकी चेक की जाती है रेंसिडिटी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्रेकिंग लोड टेस्ट कि आपकी जो लिपस्टिक है वो कितना लोड टॉलरेट कर सकती है उसके ऊपर किस तरह के समझो कि ये जो लिपस्टिक है तो उसको कोई स्टैंड में लगा के उसके ऊपर इस तरह से ब्रेकिंग लोड ये कोई पर्टिकुलर कोई लोड है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और जो भी वे है कि समझो कि आपने आ, सबसे पहले आप अलग अलग वे यूज कर ले फिफ्टी एम जी हंड्रेड एम जी टू हंड्रेड एम जी वैसे अलग अलग आप वे इंक्रीज कर दे जाते हो वह फिर वन ग्राम कर दिया आपने टू ग्राम फाइव ग्राम टेन ग्राम तो अलग अलग वे जो होता है उसको चेंज करके आप कितना वो लोड टॉलरेट कर सकती है लिपस्टिक वो फाइंड आउट किया जाता है कि यह जरूरी होता है टू चेक इट्स स्ट्रेंथ द टेस्ट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड दैट लिपस्टिक कैन विद स्टैंड बिफोर इट्स ब्रेक प्रस्टिक सेल्फ इज सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ वे हैंगिंग फ्रॉम इट कि समझो कि लिपस्टिक है दो टाइप से हो सकता है आप ऊपर से उसको लेट दे या फिर उसके ऊपर इस तरह से कोई लोड जो है वो आप हैंग करवाते हो तो जो वे पर आपकी ये जो लिपस्टिक है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी फ्रैक्चर होगा उसके अंदर वो आप मेजर करोगे एज अ ब्रेकिंग लोड द वे इज एट विच द लिपस्टिक ब्रेक इज कॉल ए ब्रेकिंग लोड कि जो टेम वे आपका होगा कि समझो कि आपने यहाँ पे 50 ग्राम वे लगाया है और 50 ग्राम वे जैसे ही आप लगाते हो ये लिपस्टिक यहाँ से फ्रैक्चर हो जाती है तो वो आपका हो गया कि ब्रेकिंग लोड ऑफ दिस लिपस्टिक इज ए 50 ग्राम नेक्स्ट है कि फोर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड स्टेबिलिटी फोर्स ऑफ एप्लीकेशन टू द वैल्यू ऑफ फोर्स टू अप्लाई टू सरफेस की सेम लाइक ब्रेकिंग लोड ही है कि आप कि ये जो लिपस्टिक है उसके सरफेस ऊपर आप ये अप्लाई कर रहे हो एक फोर्स तो जो फोर्स पे वो लिपस्टिक यहां से ब्रेक हो जाएगी तो वो हम कह सकते फोर्स ऑफ एप्लीकेशन स्टेबिलिटी इज एन इंपोर्टेंट इवेल्यूशन पैरामीटर स्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी स्टडी एज शॉर्ट टाइम स्टेबिलिटी स्टडी भी चेक की जाती है उसके बाद होता है एक टेस्ट कि जिसको ब्रेक और बस्ट सडनली भी कहा जाता है कि सडनली आप उसको ब्रेक करवाते हो ओके okay? या फिर उसको करवाते हो रैप्चर किस तरह से ये लिपस्टिक आपने यहाँ पे लगाई है और यहाँ से आप अलग अलग लोड उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो जो लोड पे ये यहां से रैप्चर हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी बस्ट हो जाएगी सडनली तो वो उसका रैप्चर पॉइंट कहा जाएगा सो वे इज एडेड टू होल्डर ऑन द लिपस्टिक पोर्शन एट थर्टी सेकंड इंटरवल अंटिल द लिपस्टिक रैप्चर्स दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू रैप्चर द लिपस्टिक इज देन चेकड अगेंस्ट द मैन्युफेक्चर स्टैंडर्ड जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो अपना खुद का पैरामीटर सेट करके ये रेप्चर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते मेन एक ही होता है कि ये जब प्रेशर से लिप्स ऊपर अप्लाई की जाए तो ये लिपस्टिक जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए ओके सो दिस इज द रेपचर टेट उसके बाद जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केटेड फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक प्रिपरेशन की फर्स्ट uh, जो फेमस ब्रांड है वो है लॉरियल पेरिस कलर रिच मॉइस्ट मेट लिपस्टिक देन कलर बार वेलवेट मेट लिपस्टिक आती है लैकमे के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी फेमस uh, है लेकमे एप्सोल्यूट स्क्लब्ड स्टूडियो हाई डेफिनेशन मेट लिपस्टिक्स फिर मैक रेटरो मेट लिपस्टिक्स आती है फेसिस अल्टीमेट प्रोलॉन्गर मेट लिपस्टिक्स मेबीलाइन क्रीमी मेट लिप कलर्स लैकमे नाइन टू फाइव मेट लिप कलर्स लॉरियल पेरिल कलर रिच प्योर रेड स्टार कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक्स और मेबीलाइन कलर सें बोल्ड मेट लिपस्टिक्स एंड एलेटिन कलर पॉप सेड तो ये जो है वो काफी फेमस ब्रांड्स है कि जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन से टॉप ब्रांड्स ऑफ ए लिपस्टिक है कि जो एग्जाम्स में पूछे जाए कि वेरियस मार्केटेड ऑफ लिपस्टिक तो ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन जो है वो आप एनलिस कर सकते हो ऑफ ए लिपस्टिक प्रिपरेशंस अब उसके अंदर एक और चीज हमें जाननी है वो है रिजेंट इनोवेशन ऑफ दिस लिपस्टिक प्रिपेरेशन एंड इट इज ए लिक्विड लिपस्टिक तो कई बार आपने अलग अलग टीवी एडवरटाइजमेंट वगैरह में देखा होगा कि इस तरह से ये एक बॉटल जैसा ही आता है कि जिसके अंदर ये ब्रश दिया होता है और उसके अंदर होता है ये लिक्विड लिपस्टिक और बाय यूजिंग दिस ब्रश यू कैन अप्लाई दिस लिपस्टिक ऑन ए लिप्स कि जो ग्लोसी एज वेल एज मैट फिनिश दोनों के लिए अलग अलग कलर के जो शेड जो है वो आते हैं और डायरेक्टली यूजिंग दिस ब्रश यू कैन अप्लाई दिस ऑन योर लिप्स तो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है अभी कि जो लेटेस्ट इनोवेशन लिक्विड लिपस्टिक बहुत सारे कंज्यूमर्स उसको यूज करते हैं बिकॉज ऑफ मोर कन्वीनियंट देन द नॉर्मल कन्वेंशनल लिपस्टिक तो इसके अंदर क्या है? एक प्रॉब्लम है कि जो हमारी वैक्स कंटेनिंग लिपस्टिक है वो कई बार सॉफ्ट हो जाती है ओके okay? मेल्ट होने के चांसेस होते हैं तो ये सब प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व हो जाते हैं इन दिस लिक्विड लिपस्टिक सो लिक्विड लिपस्टिक कंटेंस द पिगमेंट ऑफ ए लिपस्टिक एंड द ग्लाइड एंड सीन ऑफ ए ग्लोस। ओके उसके अंदर मेन प्रेजेंट होता है पिगमेंट की जो डायरेक्टली uh, कलर का एक शेड बना देता है ऑन ए लिप्स को आप उजली उसको यूजिंग दिस टाइप ऑफ ब्रश यू कैन एप्लाई ऑन योर लिप्स लिक्विड लिपस्टिक लिव बिहाइंडी एपल लाइक कोटिंग ओके कैंडी एपल लाइक कोटिंग माइनस द स्टिक ऑन योर लिप्स बट यू कैन ब्लॉड देम विथ ए टिश्यू टू मेक देम एपियर मोर मेट ओके मेट फिनिश कर जैसा करने के लिए आप उसको टिश्यू से ब्लॉड भी कर सकते हैं एंड for the glossy uh, appearance you can also use this liquid lipstick so this is regarding the lipstick uh, preparation uh, from pharmaceutical cosmetic preparations for such more video lectures uh, download our app pharmarox android application on google play you will also find the test series for gpet nipa DIN, pharmacist exam you can also join our whatsapp group send your name city name and whatsapp it to 94261 to join Farmers uh, our WhatsApp groups of FarmerOx. For more details you can contact to uh, uh, Mr. Amar Raval, owner and founder of FarmerOx the way of success on his personal WhatsApp number 9016312020. So good luck and all the best.